जय भीम साथियों नमस्कार। जय भीम, मैं डॉक्टर रतनलाल अम्बेडकरनामा एपिसोड नंबर 129 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि अम्बेडकरनामा का उद्देश्य अम्बेडकर साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का है, उसके बाद देश के जितने बड़े महापुरुष हुए हैं उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने का है। इसी श्रृंखला में ये भी याद होगा कि मैं तमाम जो महापुरुष हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनसे संबंधित जो छोटी छोटी घटनाएं हैं उसको जैसे भी मुझे प्राप्त होता है मैं साझा करने की आपसे कोशिश करता हूं। इसी सिलसिले में कल हमने बीपी मंडल, जो कि मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे, उनके बारे में एक छोटा सा वीडियो तैयार किया था और ओबीसी आरक्षण को लेकर और आरक्षण इन जनरल को लेकर जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ 1927 से लेकर, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर के क्या विचार थे, जब डॉक्टर अम्बेडकर ने पिछड़ी जातियों को आरक्षण और उनके अधिकार नहीं मिल रहे थे, कोई आयोग का गठन नहीं हो रहा था, तब उन्होंने अपने सरकार से रिज़ाइन किया था। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद 1953 में काका कालेलकर कमेटी बनी थी, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था लेकिन अपने ही रिपोर्ट को लागू करने के पक्ष में नहीं थे। उसके बाद बीबी मंडल साहब की अध्यक्षता में मंडल कमीशन का गठन हुआ और उसका इतिहास हम सब जानते हैं कि कैसे एक लंबे संघर्ष के बाद 90 में लागू हुआ, लेकिन ये सरकार उसको आरक्षण को ही इरेलेवेंट और प्रासंगिक बनाना चाह रही है। इसलिए हम सबको चाहिए कि सरकार के खिलाफ जो आरक्षण विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी सरकार है उसके खिलाफ लगातार मुहिम करें। बहरहाल आज जिस एपिसोड पर मैं आ रहा हूँ, कुछ दिलचस्प जानकारी आपसे साझा करना चाह रहा हूँ कि बीपी मंडल साहब के जो पिताजी थे बाबू रास बिहारी मंडल, वो मुरहो एस्टेट के ज़मींदार थे। मुरहो एस्टेट मधेपुरा में है। और जब मैं पीएचडी कर रहा था, अपने पीएचडी के दरमियान कुछ जानकारी मुझे गोप महासभा को लेकर मिली थी और उसमें दिलचस्प ये था कि मिथिला के ब्राह्मण और कायस्थ चाहते थे कि कैथी भाषा को कामकाज की भाषा बनाई जाए, लेकिन रास बिहारी बाबू के नेतृत्व में गोप महासभा का गठन हुआ और उसमें तकरीबन 700 लोग भागलपुर में एक सभा हुई जिसमें उन्होंने यूनानिमसली ये रिजॉल्व किया कि जो मिथिला है सिर्फ ब्राह्मणों और कायस्थों का एकाधिकार इस पे नहीं है और गोप महासभा विरोध करती है कैथी भाषा को राजभाषा के रूप में, राजकाज की भाषा के रूप में, लिखने पढ़ने की भाषा के रूप में इस्तेमाल करने की। और उन्होंने यूनानिमसली सर्वसम्मति से हिंदी के पक्ष में अपना समर्थन दिया। आपको ये भी जानकारी होगी कि रास बिहारी बाबू ने ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए जनऊ धारण आंदोलन चलाया था। जनऊ धारण उन्होंने कहा था, और बिहार में जो इतिहास जानते हैं बिहार का वो जानते होंगे कि उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणवाद को अगर तिरस्कार करना तो खुद ही जनऊ पहनना शुरू करो। तो उन्होंने जनऊ पहनने का आंदोलन चलाया था। यह भी एक तरह का फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट था कि जिस चीज़ से जनऊ सिर्फ एक धागा नहीं है, प्रतीक नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था का सूचक है, उसमें एक खास समुदाय के प्रति दमनकारी शोषणकारी व्यवस्था है, इस व्यवस्था के विरुद्ध उन्होंने कहा कि चूंकि ये प्रतीक ही है कि सिर्फ द्विज ही जनऊ पहन सकते हैं, गैर द्विज नहीं पहन सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि सब गैर द्विजों को जनऊ पहनना चाहिए। इस सिलसिले में बिहार के कई ज़िलों में हिंसा हुई थी, यादवों को पीटा गया था, उनके पीठ जला दिए गए थे, गोलियां चली थी, ये तमाम घटनाएं हुई थी। तो ये जानना दिलचस्प हुआ कि मंडल साहब के पिताजी भी अपने काल और संदर्भ के समय रास बिहारी बाबू मंडल, उनका जो है उन्होंने भी प्रतिरोध किया था। और ये महज संयोग है कि कल बीपी मंडल साहब का जन्म हुआ 25 अगस्त, और आज रास बिहारी बाबू जो मंडल हैं उनकी आज जो है डेथ एनिवर्सरी है। तो इस अवसर पे मैं रास बिहारी मंडल साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं आपसे अपील भी करता हूँ कि जहाँ तक संभव हो सके उनसे जुड़े कागजात, दस्तावेज, वो बिहार में कांग्रेस के फाउंडर मेंबर भी थे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी थे और तमाम उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं। तो जो भी शोधार्थी साथी इसमें रिसर्च करना चाहें वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके और उनसे जुड़ी सामग्रियाँ इकट्ठा करें। और दिलचस्प है कि आज जब मैं जनऊ लीला कहता हूँ और बोलता हूँ तो जो उस व्यवस्था के पोषक लोग हैं उसी तरह की प्रतिक्रिया करते हैं जैसी प्रतिक्रिया 1920 के दशक में है। हालांकि इस समय उस तरह का वायलेंस प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहा है, लेकिन
जिस तरह की व्यवस्था है उसमें उसी तरह से यादव पिछड़े दलित मुसलमान सब लोगों के खिलाफ बलवती हिंसा है, वो हिंसा बढ़ती है। लेकिन जनेऊ पहनने की बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन जनेऊ लीला जैसे ही बोलता हूँ तो व्यवस्था का पोल खोल पर्दाफाश हो जाता है। इसलिए दोनों समय दोनों और काल संदर्भ में प्रतिक्रिया इसके खिलाफ एक ही थी, संदर्भ बदल गया है। वो जनेऊ पहनकर विरोध कर रहे थे और हम लोग दलित पिछड़ों से अपील कर रहे हैं कि जनेऊ लीला को समझिए, उसका पर्दाफाश कीजिए और जनेऊ पहनना बंद कीजिए। शुक्रिया साथियों, अगर आपको लगे कि ये वीडियो कुछ यूज़फुल है, कारगर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, जय भीम।